यहाँ पर आपके पास ये एक सीजर है। अब सीजर बनाने का तरीका हम यहाँ पर देते हैं। जैसे हम सीजर बनाएंगे उसी तरह हम एक नाइफ भी बना सकते हैं। सीजर बन गई तो नाइफ बन गया, नाइफ बन गया तो समझिए सीजर बन गया। देखने में शायद ये थोड़ा सा मुश्किल वर्क होगा, लेकिन बनाने में ये आसान ही है। सिर्फ जरूरत आपके यहाँ पर कॉन्सेप्ट, जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो ये चीज आपके लिए इजी हो जाएगी, यानी कि आसान हो जाएगी। मैं यहां पर आकर एक रेक्टेंगल को ड्रॉ किया। ठीक है, इसकी हाइट ज्यादा नहीं रखी, विड्थ को ज्यादा रखा है। और उसके बाद कन्वर्ट टू कर्व कंट्रोल क्यू। मैं कोशिश यही करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा शॉर्टकट की का ही इस्तेमाल किया जाए यहां पर हो सकता है। ऐसे ही ऑप्शंस अरेंज ऑब्जेक्ट में आपके पास कन्वर्ट टू कर्व के नाम से यहाँ पर मौजूद होगी। ठीक है, कन्वर्ट टू कर्व जो कंट्रोल क्यू में इस वक्त कर चुका हूँ। ऊपर वाली नोड्स को इसके बाद मैंने यहाँ पर आकर सेलेक्ट किया, और यहाँ पर ऑप्शन है प्रॉपर्टी में टू कर्व, कन्वर्ट टू कर्व, इस पर क्लिक किया और इसी नोड को मैंने डिलीट कर दिया। यहाँ से डिलीट किया या यहाँ से डिलीट कर दिया, या उसके ऊपर डबल क्लिक किया या डिलीट का बटन ही प्रेस कर दिया। और उसके बाद इसके ऊपर दोबारा से क्लिक किया और यहाँ से पकड़ा, इसे थोड़ा सा नीचे की तरफ इस तरह से रोटेट करा दिया। कंट्रोल का बटन होल्ड रखते हुए नीचे लेकर आकर राइट क्लिक किया, ये कॉपी जो है यहाँ पर क्लिक। जी बात समझ। और बैक वाले आपने हैंडल बनाने हैं। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ से एक टेक्स्ट आप टाइप कर लें, 6 कर लें या 9 कर लें। इसे यहाँ से मैन्युअली खींचा और फिर उसके बाद फॉन्ट में आकर इसके फॉन्ट को मैंने चेंज किया। जी, इसका आपने एक तो यहाँ पर आकर दोबारा से क्लिक करके इसे इस तरह से रोटेट किया। ठीक है, और राइटिंग स्टाइल थोड़ा सा स्ट्रेट वाला लेना है इसमें, ये स्ट्रेट नहीं है। ठीक है, ये आगे से 6 जो है ये गोलाई में आ रहा है, आपने स्ट्रेट वाला लेना। ठीक हो गया, और दूसरा ये है कि नीचे की तरफ है, इसे वर्टिकल मिरर कर दें, ऊपर वाली साइड पे ले दें। और जब एक पॉइंट आपका बन जाए, ठीक है ये वाला इसके साथ, तो दूसरे की आपने कॉपी निकाल देनी है। मैं फिलहाल यहाँ से कुछ पॉइंट्स को वैसे ही डिलीट कर देता हूँ। ठीक हो गया, इसको इस तरह से ठीक है जी, क्योंकि शेप थोड़ी सी मेरे पास इस वक्त ठीक नहीं है, तो ये सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ पर बता दिया कि आप 6 की मदद से
इसको इस तरह से बना सकते हैं, और फिर इसी का एक मिरर निकालेंगे तो वो नीचे वाली साइड पर आपके पास आ जाएगा। तो आपके पास सेम इस तरह से हैंडल्स वगैरह ऐड करेंगे तो वो नीचे आ जाएगा। बेहतर ये है कि शेप आप थोड़ी सी स्ट्रेट वाली ले लें, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और उसके बाद आप एक सर्कल को ड्रॉ करें और इसके अंदर आप एक लाइन जो है वो 45 के एंगल पे ले लें, ठीक है, या आप प्लस का साइन दे दें तो तब भी आपका उस सेंटर में जो पेज सा बना हुआ होता है, जैसे इस वक्त ऊपर आपको नज़र आ रहा है, इसी तरह आपका वो नीचे, ठीक होगी बात। तो ये यहाँ पर एक आसान तरीका था, थोड़ा सा सिस्टम में मेरे प्रॉब्लम होने की वजह से मैं आपको वो फॉर्म्स का थोड़ा सा इशू है जिसकी वजह से अगला काम नहीं करके दिखा सका, ठीक होगी बात। बहरहाल इसी तरह से बनेगा शेप्स और खूबसूरत होगी।